जय श्री श्याम दोस्तों, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। 5 जुलाई को गंगापुर सिटी में श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम 27 तारीख को गंगापुर सिटी से बाबा की मूर्ति को लेकर निकले थे पूजा कराने के लिए। वह निशान यात्रा है, मूर्ति को लेकर हम गंगापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जयपुर तक पहुंच चुके हैं। श्याम बाबा का दरबार वैसे तो काफी सारे चमत्कारों से भरा हुआ है, हम रोज ही अपने जीवन में श्याम बाबा के चमत्कार सुनते हैं वह देखते हैं। 51 दिवस की यात्रा पर संजय मित्तल जी भी निकले हुए हैं, पर आज जो हमने देखा वो हम कह नहीं सकते। हमारे सामने साक्षात एक ऐसा आशीर्वाद रूपी हमारे साथ रक्षक चल रहा है। हम 27 तारीख को गंगापुर सिटी से निकले थे, दोपहर में हमने 4 बजे बाबा की पूजा करवाई, वह निशान यात्रा लेकर हम 5 बजे खाटू से निकले। खाटू से निकलने के तुरंत साथ में निशान के साथ एक कुत्ता हमारे साथ चलने लगा, जो कुत्ता आप देख पा रहे होंगे, ये कुत्ता चल रहा है हमारे साथ में। अब चलते चलते हमें करीब करीब 7-8-10 घंटे हो चुके हैं, पूरी रात हो चुकी है। हम खाट ये पहले रिंगस तक कुत्ता आ गया, रिंगस तक कुत्ता, भैया लोग ये साथ में थे, भैया साथ में थे, दोनों भैया हमारे साथ में हैं। भैया साथ में आए तो भैया बता रहे थे कि मैं भी साथ में ही था, भैया बता रहे हमने गाड़ी तेज भगा ली, सारी चीज़ कर ली, पर कुत्ता जितनी स्पीड से हम गाड़ी लेके चल रहे थे उतना हमारे पीछे पीछे चल रहा था। अब 8-10 घंटे हो चुके हैं, गाड़ी जयपुर पहुंच चुकी है, पर कुत्ता हमारे साथ साथ रक्षक बन के चल रहे हैं। इस क्या है, और हम एस्टिमेटेड कर रहे हैं कि ये कुत्ता शायद हमारे साथ गंगापुर तक जाएगा। गंगापुर सिटी में 5 तारीख को जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसकी हम या उसके लिए हम बाबा की मूर्ति लेकर आ रहे थे, निशान लेकर आ रहे थे, पर पूरी रात हो चुकी है, कुत्ता साथ साथ चल रहा है हमारे। करीब करीब हम 80 किलोमीटर आ चुके हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं। एक कुत्ते के लिए इतना चलना बहुत ज्यादा है, पर साथ साथ चल रहा है हमारे रक्षक बनकर, या श्याम बाबा जाने उसका क्या है। जय श्री श्याम।